अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुजफ़्फ़र सुल्तान है और आज हम 9th क्लास का 4th यूनिट पढ़ेंगे जिसका टाइटल है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 622 ईस्वी में मक्का मकरमा से मदीना हिजरत की। जब मक्का के मुख्तलिफ सरदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का मालूम हुआ तो वो पहले से ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश की सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाऊज़ बिल्ला ज़िंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर बहुत बड़े इनाम व इकराम का ऐलान किया था। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के घर की गई थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस सिलसिले में बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। उन्होंने खाना ऊँट की पीठ पर बांधने के लिए जब कुछ और ना मिला तो अपने ही कमर बंद से बांध दिया। उनकी इसी खिदमत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ातुन नातिकीन का लकब अता किया। ख़तरनाक सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम था। ये बहुत पेचीदा सूरत हाल थी जिसमें छोटी सी भी कोताही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। ये अजीम काम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी, उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया। हर रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से पथरीले पहाड़ों में मौजूद गारे सोर में खाना लेकर जाती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा की तफसील रखी। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए रात को उस पहाड़ी रास्ते पर चलना मुसलसल इस खौफ के साथ कि कोई उनका पीछा ना कर रहा हो। हिजरत की रात कुफारे मक्का का सरदार अबू जहल गुस्से से भरा हुआ सीधा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के घर जा पहुंचा। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। हज़रत अस्मा को मुखातिब करते हुए मुतालबा किया, तुम्हारा बाप कहाँ है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नरम लहजे से कहा, मुझे क्या पता होगा। इस रवैये से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हौसला और अक्लमंदी ज़ाहिर होती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कोई इशारा मिलता हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल के बदले सवाल कर दिया जिससे अबू जाहल को मज़ीद गुस्सा आ गया। उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कान की बाली नीचे गिर गई, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबित कदम रही और राज को फाश ना किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी कहाता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो अभी तक गैर मुस्लिम थे, वो बूढ़े और नबीना हो चुके थे। उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गया है, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेजारो मददगार छोड़ गया है। ये सुनते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के एक कोने की तरफ दौड़ी और कुछ कंकरियां तेज़ी से जमा करके उन्हें एक कपड़े के अंदर लपेट दिया और उस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद पैसे और जेवरात रखा करते थे। इधर आएं दादा जान, ये देखें, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कपड़े को हाथ लगाया और सोचा कि सोने और जेवरात से भरा हुआ है, उनका मकसद पूरा हो गया था और ये जानकर उनको इत्मीनान हो गया था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ कर गए हैं।
हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद लोगों में से थीं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सौतेली बहन थी। हज़रत ज़ुबैर बिन अलवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जोजा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 100 साल की पुख्ता उम्र में वफात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि मैंने अपनी हाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा सही दिल और खुले दिल वाला इंसान कभी नहीं देखा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हद तक सही थी कि जब उनकी बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद विरासत में एक बाग मिला तो उन्होंने बेच दिया और तमाम पैसे गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिए। उनके दरवाज़े से कोई भी खाली नहीं लौटता था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा अपनी हौसला सहावत और जहानत की वजह से याद रखी जाएंगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह पर कामल ईमान रखती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। तो इसी के साथ आज का तर्जुमा यहीं मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है या आप कोई भी फीडबैक देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।